दुख ए बात के बाद लोग कहला के सारी लाल यादव भी बात करता है, विवाद में रहना मुझे पसंद है, ये सब कहना किसी को बोलू कुछ उसका इशू। जी हाँ, खेसारी लाल का जो गाना आया हुआ था नवरात्रि वाला, वो गाना डिलीट हो चुका है। जेएम्स टून भोजपुरी से जो खेसारी लाल यादव का ओढ़ल के फूल वाला गाना जो किया आया था, वाला गाना अभी अभी डिलीट हो चुका है। शायद ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला मामला होगा, या फिर पावर स्टार पवन सिंह का भी सेम टू सेम टाइटल का गाना आने वाला था, उसके बीच का मामला है, या क्या मामला है, क्यों खेसारी लाल यादव का गाना डिलीट हुआ है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह का गाने का एल्बम का नाम है ओढ़ल के फूल, और खेसारी लाल यादव का है फूल ओढ़ल के। इन दोनों गाने का जो कि टाइटल है सेम टू सेम रखा गया है, उसी के बीच के शायद मामला होगा, या फिर खेसारी लाल यादव का मामला भी चल रहा है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, शायद उसी मामला को लेकर। पहला खेसारी लाल यादव का जो नवरात्रि सॉन्ग आया था, उस गाने को डिलीट कर दिया गया है। आखिर क्यों डिलीट किया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और खेसारी लाल यादव के साथ में ऐसा कौन कर रहा है, और क्यों खेसारी लाल यादव के साथ में ऐसा हो रहा है। खेसारी लाल यादव का तो पहला ही नवरात्रि सॉन्ग आया था, और उसी नवरात्रि सॉन्ग को शुरू शुरू में ही डिलीट कर दिया गया है। खेसारी लाल यादव के साथ बहुत ही ज्यादा गलत अन्याय हो रहा है, और आखिरकार खेसारी लाल यादव का गाना आ ही जाएगा। डिलीट हुआ है तो क्या हो गया, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना आ जाएगा जो ओढ़ल का फूल और पावर स्टार पवन सिंह का भी आने वाला है। फूल ओढ़ल के उस गाने को भी आप लोग दुलार प्यार दीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।